Dragon Inquisition. Dragon Age. Face the barren waste without the taste of water, cool water. Old Dan and I with throats burned dry and souls that cry for water, cool, clear water. The nights are cool and I'm a fool. Each star's a pool of water, cool water. And with the dawn I'll wake and yawn and carry on to water, cool, clear water. A moving Dan, don't you listen to him, Dan. He's the devil, not a man, and he spreads the burning sand with water. Dan, can you see that big green tree? Where the water's running free, and it's waiting there for you. Strange sentences. Don't you know? अरे बुलाया था मुझे. 15 what? मैं आधे घंटे से खड़ा हूँ. कहाँ है सर? ऑडिशन लेने के लिए बुलाया था. अपने पहना तो हुआ है अभी. क्या सर कहाँ है? सर सर कहाँ है? सोए हुए हैं. मैं मुझे 4 बजे बुलाया था. हाँ नींद में हो क्या आप? अरे तो फिर 4 बजे का क्यों कॉल टाइम दिया? मैंने सर ने दिया तो आप सर के साथ ही रहते हैं तो. कहाँ है सर? कहाँ तो उठाओ उनको. अरे कैसे उठाऊँ? कैसे उठाऊँ? जैसे उठाते हैं वैसे उठाते हैं. तो आप जानो अभी तो मुझे बुलाया है ऑडिशन. मैं प्रिपेयर करके आया हूँ सब. आपका अजीब है ये. क्या सर कहाँ है? ये तो बंद पड़े सब. ये क्या है सब बिखरा हुआ? घर है नहीं आपका? घर साफ होता है क्या? हाँ मेरा, हम तो साफ रखते हैं. तो यहाँ पे कैसे करना है? बैठे हैं ऑडिशन. बैठिए आप. आपको पानी की? पानी नहीं, मुझे निकल जाएगा थोड़ा जल्दी. मैं पूरा मुझे बोला था टाइम पे आप लेट मत होना. खुद सो रहे हैं अभी. मैं बैठिए भाई.
गए क्या कर रहे हैं? उठा सकता सोया हुआ है। तो फिर मुझे क्यों बुलाया है 4 बजे? मेरे को क्यों पूछ रहे हो? तो सर आप सर के असिस्टेंट हो ना? मैं नहीं हूँ असिस्टेंट। तो आप कौन हो? मैं रहता हूँ यहाँ पे बस। मेरा घर है। तो रहते हो तो सर आपके साथ रहते ना, तो आप उठा सकते हो ना? नहीं। अरे तो फिर 4 बजे मुझे क्यों टाइम दिया? वो मुझे नहीं उठाता, मैं क्यों उठना उस लोगों? अरे तो आप दोनों का मैं क्या जानू? अभी मैं तो एक्टर हूँ, मैं ऑडिशन देने आया हूँ। मुझे 4 बजे बोला था सब प्रिपेयर करके आना, स्क्रिप्ट भेजी थी मुझे व्हाट्सएप पे। दिखाइए मैं क्या करूँ। मैं ऑडिशन देता हूँ आपका। आप थोड़ी, आपको मैं सर लेंगे ना ऑडिशन, आपको क्या नॉलेज है? कमाल करते हो आप। और मैं आपको क्यों नहीं कहूँ? सर ने मुझे बुलाया है। बुला क्या आप ऐसे क्यों बोल रहे? अरे तो क्यों नहीं, मैं दूर वहां से अंधेरी से आया हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अंधेरी से मैं आया हूँ और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आप हंसे जा रहे हो, मैं उठा नहीं सकता, ये क्या बात हुई? नहीं मैं क्यों निकलूँ, मैं ऑडिशन लेके जाऊंगा, सर ने बुलाया। मेरे को नहीं पता इस सब के बारे में। 1 घंटे से मैं खड़ा हूँ नीचे, मुझे वॉशरूम भी लगी है, कुछ मैं ऐसे ही खड़ा हूँ नीचे। जाना है वॉशरूम? 5-6 बार कोई खोल ही नहीं रहा था। वॉशरूम जाना? हाँ जाके आता हूँ। आप तब तक उठे ही होंगे? नहीं क्यों नहीं उठा सकते? मैं ऑडिशन देना है। नहीं उठा सकता ना? क्यों? क्यों पर उनका जॉब है ये। आप अपने पिता को उठाते हो? हाँ मैं उठा रहा हूँ। फिर आप वैसे टाइप के बंदे हो, मैं ऐसे टाइप का बंदा नहीं हूँ। तो फिर टाइम दिया है ना, तो एक मैंने थोड़ी दिया टाइम। अरे तो आपके सर ने दिया है ना, तो आप सर को उठा सकते हो ना, आपको बोला होगा सर ने। नहीं बोला। क्या नहीं बोला है? तो मुझे ऐसे ही मैसेज कर दिया, बेवकूफ बनाते क्या? वो आप आप बुलाओ ना, आपके सर को गाली दे रहे हो आप। मेरा सर नहीं है वो। तो कौन है वो? फ्लैटमेट है। तो फ्लैटमेट है जो भी है, तो आप साथ में रहते हो ना? हाँ। तो गाली देते हो आप? हाँ। तो आप बुलाओ, उठाओ, मैं मुझे वो बकवास नहीं करनी है, उठाओ अभी। आप जाके पेशाब करो। पहले उठाओ आप, पहले आप जाओ, फिर आप तब तक उठाओ, तब तक मैं जाके। ये क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो आप? उठा नहीं रहे हो कब से, ये ऐसे ही बैठो बैठो, ये क्या है? ये क्या है? क्या है? आप पहले उठाओ, मैं कुछ सुना नहीं चाहता। आप पेशाब करिए। मैं यार ये क्या बात हुई है? या तो आप जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? मैं अंधेरी से आया हूँ, जाने के लिए आया हूँ अंधेरी से। आपको अभी टॉयलेट नहीं जाना? पहले मुझे ऑडिशन के लिए उठाओ, निकल जाओ। मैं नहीं निकलूंगा। आप अच्छे, एक तो बदतमीजी से बात करते हो। मैं बदतमीजी से बात कर रहा हूँ? मैं खोला एक शरीफ को दरवाजा, बोल रहा हूँ 15-20 मिनट के तो, लिए तो आपकी कपड़े पहनने दो। आपने पहने तो हुए? और कहाँ कपड़े पहने हैं? क्या है यार, चड्डी में हूँ मैं अपनी। तो बुलाओ आप पहले उसको, जो भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे ऑडिशन देने से मतलब है। आप उनको बुलाओ। मैं सुबह से लगा हूँ लाइन से याद करने के लिए, रात को कल भेजा था। क्या लाइन? क्या लाइन बताओ मेरे को, लाइन क्या? आपको क्यों बताऊँ? मैं आपको कुछ लाइन नहीं आता। तो ऐसे ही मैं आ गया। बेवकूफ बनाते टाइम देते हैं, खुद तो सो रहे हैं अंदर। या तो आप बैठिए। ये प्रोफेशनलिज्म नहीं हुआ ना, ये क्या हुआ फिर? बैठिए। नहीं पहले आप बैठिए, मैं बुलाता हूँ। बैठ वो बुलाओ, मैं बुलाता हूँ। बैठिए। अंधेरी से मैं खड़े होने के लिए आया हूँ नीचे। हाँ एक्टर बनने के लिए ये सब करना पड़ता है। करना पड़ता है आपको, सर को, आपके सर को समझना चाहिए ना। आप वो डायरेक्टर साहब है, उनको जो करना है वो करेंगे। क्यों भाई, तो मैं भी एक्टर हूँ, मैंने सीरियल में काम किया है। क्या आप देख लो, स्टार प्लस पे आती है। स्टार प्लस पे? हाँ। कलर्स इन्फिनिटी?
क्या कलर्स इनफिनिटी कलर्स इनफिनिटी में कुछ किया आपने? अरे वो आपसे मतलब आप बुलाओ उनको सर को सब पता है क्या कर क्या पता है वो कुछ नहीं पता है आप क्या टाइम पास कर रहे हो यार आप बुलाओ उनको नहीं तो मैं उठाऊंगा अभी मैं पानी डालूंगा सर पे आप डालोगे आपको वैसे रोल मिलेगा आपको आपको लगता है आपको वैसे रोल मिलेगा तो ऐसे एक्टर्स को ट्रीट करते हैं वो अंधेरी से धक्के खिलाते हैं फिर खुद सो रहे हैं अंदर ठीक है और कोई काम जरूरी हो तो वो समझ सकते हैं आप उठा नहीं सकते एक तो मुझे मैं दूसरे ऑडिशन छोड़ के यहाँ पे आया हूँ सर ने मुझे बोला था ऑडिशन दूसरे जगह पे था मेरा ऑडिशन आरंभनगर में था देखो आपको एक्टिंग आती नहीं है वो आपसे मतलब वो आपको आती नहीं है किसने बताया दिख रहा है मेरे आप बुलाओ सर को बुलाओ आपको एक्टिंग नहीं आती जो भी हो आप बुलाओ आप दिखाओगे एक्टिंग मैं बुलाऊँ अरे आप कौन होते हो दिखा आपको क्यों दिखाओ मैं आपको आपको मिलना है डायरेक्टर साहब से हाँ बुलाओ उनके उनसे मिलना है मेरे से मेरे थ्रू जाना पड़ेगा आपको क्या मिला आपके थ्रू क्या मेरे थ्रू जाना पड़ेगा हाँ तो आप बुला के लाओ आप पहले एक्टिंग दिखाओ ना एक्टिंग क्या दिखाऊं क्या आपका स्क्रिप्ट क्या है स्क्रिप्ट आप मतलब मैं क्या कैरेक्टर है सर को दिखाऊंगा मैं क्या कैरेक्टर है आपका अरे है कैरेक्टर कॉमेडी स्क्रिप्ट है क्या कॉमेडी क्या बारे में अरे वो जो भी हो आपको मैं इंट्रोडक्शन क्या बारे में क्या है अरे एक स्टोरी है क्या स्टोरी मैं आपको बताता हूं सब फिल्म में मैं आपको नहीं बताऊंगा आपको मुझे ऑडिशन देने से मतलब है आपको अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है सिलेक्शन आगे कुछ सिलेक्शन है ना ऑडिशन के लिए कुछ सिलेक्शन नहीं है आप निकले अरे क्या निकले आप बुलाओ क्या फालतू की बकवास किए जा रहे हो थैंक यू नहीं आप बुलाओ प्लीज गेट आउट नहीं आप निकलो फिर प्लीज गेट आउट आप निकलो मैं निकलो आप बुलाओ पहले सर मैं अपने घर से निकलो आप सर को बुलाओ पहले प्लीज आप बुलाओ पहले सर को मैं क्यों निकलू अरे आप बुलाओ पहले सर को बुलाओ ये क्या है बुलाओ बुलाओ ये क्या तमीज है बुलाओ अभी सर को हो गया अरे आपका हो गया निकल बुलाओ सर को बुलाओ मैं क्यों दूँ आप हाथ तो आप हाथ क्यों हाथ तो आप हाथ क्यों दूँ आप बुलाओ सर को बुलाओ अजीब आदमी हो गया आप बुलाओ ना सर को कब से खड़े हुए हो टाइम पास किए जा रहे हो अरे बुलाओ सर को मैं क्यों जाऊं अंधेरी से मैं आया हूँ जाने के लिए आया हूँ आप बुलाओ पहले सर को सर को बुलाओ टाइम पास मत करो बुलाओ प्लीज ये मेरा घर है आपका घर है तो क्या करूं मैं मेरे को ऑडिशन देने से मतलब ऑडिशन सर लेने के मैं चला जाऊंगा मैं ऑडिशन के बगैर तो नहीं जाने वाला सर नहीं उठेंगे तो मैं तो नहीं जाऊँ सर को बोलो पहले सर नहीं है मतलब नहीं है। आपने बोला अभी सो रहे हैं नहीं नहीं तो फिर आपने क्यों बोला सो रहे हैं वो मेरे को लगा सो रहे थे नहीं क्या चुतिया बना रहे हो कब से बुलाओ सर अंदर ही है मुझे लग रहा है उनके साथ कोई लड़की भी है अंदर हाँ तो आपको तो समझ आपको तो बात समझ आपको तो समझना चाहिए ना समझना चाहिए तो फिर टाइम क्यों दे उनका प्राइवेट टाइम है तो फिर अरे प्राइवेट टाइम होता है जब होता है उसका टाइम होता है क्या टाइम होता है तो फिर एक्टर्स को देने का वो वैल्यू होती है ना दूसरे के टाइम के भी ये नहीं कि ऐसे ही अंदर रंगरेलिया मनाई जा रही है तो आप करके आओ आपका घर है ना हाँ तो मेरा घर है तो आप निकलो नहीं मैं क्यों निकलूँ मैं ऑडिशन देके निकलूँगा तो दो ना दो ना सर को बुलाओ ना सर को बुलाओ पहले क्यों भाई अभी बुलाओ उनको मुझे देना है ऑडिशन आप बुलाओ वहां पे वो लिखा हुआ है ना 604 क्या लिखा हुआ है रूम का योर एक्टर इज हियर क्या है सर वेलकम
नहीं वेलकम वेलकम तो ठीक है, पर आपने ऑडिशन के लिए बुलाया था 4 बजे, क्या है ये? आप खुद सो रहे थे अंदर? मैं नींद में प्लानिंग कर रहा था, नींद में अच्छे से प्लानिंग हो पाई। ये पता नहीं क्या टाइप का एक्टर लगा था, ये बोल रहे थे मुझे बुलाया नहीं है आपने 4 बजे, ये वो बाहर निकलो, ये क्या तमीज है, और आप अंदर सो रहे हैं। नहीं मुझे, मैं तो प्लानिंग कर रहा हूँ, मुझको तो प्लानिंग करना है, मैं सोऊंगा नहीं तो दुनिया की गिर जाएगा ना। नहीं पर आपने 4 बजे बोला था ना आने के लिए। हाँ वो थोड़ा कभी कभी क्या है टाइम का कुछ गलती हो जाता, पर ऐसे नहीं चलता ना आप सर, टाइम की तो वैल्यू करनी चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री में जाके देखते हैं तो स्टार डायरेक्टर या स्टार एक्ट्रेस का यही एक क्वालिटी होता है कि वो लोग इंटेंशन में लेट आते हैं, उसमें उनका एक प्रेस्टीज होता है, वो लोग को दिखा सकते हैं कि हाँ मैं लेट आ सकता हूँ, जहाँ पर कोई और भी देखते, कोई और मतलब लेट आने का हिम्मत भी नहीं कर सकता। नहीं नहीं पर आपको पता है मैंने भी काफ़ी सीरियस किए तो मुझे जो रोल चाहिए अभी उसके लिए मैं वो बहुत ही तगड़ा और शातिर पॉलिटिशियन ऐसा ऐसे एक रोल में घूम रहा था, हु हैज दिस वेरी पर्टिकुलर सेंस ऑफ यू नो ईगो, ऑल्सो ट्विस्टेड ईगो इफ आई माइट से, कि जैसे कि सेट में मैं लेट आ रहा हूँ तो वो उसका रादर वो उसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन देगा, एक्सप्लेनेशन दे के बाकी लोगों को ठंडा कर देगा, देन जस्ट आस्क फॉर अप्रोच, देन जस्ट सिंपली जस्ट अप्रोचेस फॉर द फैक्ट दैट ही जस्ट लेट, वो आके बोलेगा कि अरे लेट होना तो ऐसे लेट होना मानता है क्योंकि लेट होना इज लाइक अ पावर स्टेटमेंट। So he deals with politics in that way. So that वैसे character में ढूंढ रहा था, मैं देख रहा था कि like कोई है क्या कोई जो you know like Jared Leto की तरह बहुत क्या बोलते हैं इसको method acting, इतना ही method में चला जाए कि वो पूरा time table और बाकी सब में भी उसका method leak होना start हो जाए, तो उसीलिए मैं I was expecting कि आप थोड़ा नहीं पर मैं ये बिलीव करता हूँ कि टाइम की वैल्यू होनी चाहिए तभी आप एक स्तर पर पहुँच सकते हो। सही बात है। आपको देख के लगता नहीं है मुझे। हाँ वो आपको देख के नहीं लगना चाहिए क्योंकि आप एक्टिंग करेंगे उसका। मैं तो बेसिकली मैं तो उस रोल में ही हूँ, मैं जब भी लेकिन मेथड डायरेक्टिंग बोल के एक चीज होता है कि डायरेक्टर को भी पूरा फिलोसॉफी का मेथड में जाना चाहिए। जब भी कोई मूवी हो रहा है, कोई भी हम कोई मूवी बना रहे हैं, सपोज एक डायरेक्टर मूवी बना रहे सीरियल किलर का, तो एक्टर को जाके अभी मतलब एक्टर को एक्टिंग करना पड़ेगा कि 10 उसको 10 मर्डर करना है तो 10 मूवी करना है। देखिए और एक डायरेक्टर का काम है कि देखना टू मेंटेन अ विजिलेंस एंड सी वेदर द एक्शंस दैट इज कमिंग आउट इज ट्रू टू द नेचर और नॉट, अगर नहीं है तो वो डायरेक्टर का काम है कि उसको वो स्क्रीन में कैसे सही लगेगा, वो स्क्रीन में कैसे सच्चाई लगेगा उसको निकालने के लिए उसके डायरेक्टर को भी मर्डर करना पड़ेगा साथ साथ, ऐसे ऐसे तो नहीं होता। अच्छा तो उसको मर्डर करते हैं मर्डर, वेल अभी तक कोई सीरियल की इनका स्क्रिप्ट नहीं मिला तो इसलिए मर्डर नहीं करना पड़ा, थैंक गॉड। अच्छा तो आप मतलब पॉलिटिशियन का रोल होगा तो आप सच में पॉलिटिशियन बनेंगे? शक्ल तो लगती नहीं है पर ठीक है। नहीं शक्ल तो वो जब मैं एक्टिंग करूँ तब मैं दूसरे तरीके का रहूंगा, तब वो कहना एक्चुअल जो होता है सुपर हीरो विलेन का जो नहीं, पर अभी तो आप क्या मेथड्स की बात कर रहे हो, अभी ऑडिशन लेने के लिए बुलाया, ऑडिशन आप ले नहीं रहे हो, टाइम पास की बात कर रहे हो। अगर आपको देखना है मैं कर सकता हूँ तो ऑडिशन से, तभी तो आपने बुलाया ऑडिशन के लिए। ऑडिशन तो मैं भी ले देता था, मैं वही तो बोल रहा था। नहीं मैं ऑडिशन ले सकता ना। हाँ नहीं पर आप हो कास्टिंग डायरेक्टर, आप देखोगे। अच्छा तो फिर आप क्या हो? ये तो बोल रहे थे आपके फ्लैट में रह रहे हैं ये। हाँ वो क्या है कि वो
उसको दो दिन से घर नहीं मिला था। नहीं ये तो बोले इनका फ्लैट में आप रह रहे हो। सब लोग मुझको कॉल करे वो कहाँ से टोन के हेरी आ जाते ऑप्शन देने के। आई हैव टू मेक श्योर कि उनका वो लोग जेन्युइन बन जाए। एक्टिंग से पहले उनको जेन्युइन बंदा होना पड़ेगा। दैट्स माय कंडीशन। तो वो मैं टेस्ट करता हूँ लेट आके। तो मैं लेट आया, आप गुस्से हुए। अगर आप इतना डेस्परेट थे, अगर आप इतना डेस्परेट होते कि आपको काम करना ही है, मुझको काम करना है, मुझको और कोई चारा नहीं, तो आप गुस्से नहीं होते और फिर आप सिलेक्टेड नहीं होते। पर भैया आप समझ नहीं आए हो, आपने मुझे 4 बजे से बुलाया हुआ है, कब से आप ये डिंगे हाथ रहे हो बड़ी बड़ी, आपको कुछ पता था? आप सिलेक्टेड, आप सिलेक्टेड हो के यार, ये मेरा तरीका ये है वो है, अभी आप दिखा रहे हो। आपको तो मैं, आपने बोला, आपने जिक्र कर दिया कि मैंने आपको स्क्रिप्ट भेजा है, तो अगर मैंने आपको स्क्रिप्ट भेजा हुआ है तब तो आपको पढ़ के आइडिया आ गया होगा कि कैसा तरीके का मूवी करना होता है। नहीं, तब तो आपको आपने उसमें पॉलिटिकल सटायर लिखा है, ठीक है, स्क्रिप्ट। अभी आप यहाँ पे आदमी की बात कर रहे हो, ये ड्रिलिंग व्रिलिंग क्या बात कर रहे हो आप यार? पॉलिटिक्स है वो भाई। अरे वही तो पॉलिटिक्स है, उसीलिए तो मैं आपका देखना चाहता हूँ कि आपका पॉलिटिकल स्टांस कहाँ पर है, कि आप जब आके आप लेट आके गुस्सा करते हो या फिर आप लेट आके डिप्लोमेटिकली चीज को अप्रोच करते हो। गुस्सा भी एक तरीके का सोल्यूशन ही है। इट्स नॉट लाइक कि वी ऑलवेज हैव टू बी डिप्लोमेटिक। बस वही मुझको देखना था कि आपका कैरेक्टर ट्रेक किस तरीके, किस डायरेक्शन पे लीन कर रहा है। जो भी आपका हो, पर अभी आप मेरा टर्म सुन लीजिए। मैं भी उसके साथ काम करता हूँ जो डिसिप्लिन, जिसको पता है। अभी जो 2-2 घंटे लेट आता है और वो भी आपके फालतू रीजन के आप सो रहे थे, ये कोई तरीका नहीं हुआ, समझे? कोई अगर जेन्युइन बंदा है तो वो उसको टाइम की वैल्यू होगी। अगर आप इतने बड़े लेवल पे हैं तो आप इस तरह से काम करते हैं तो आप इस लेवल पे पहुंच नहीं सकते। ठीक है, आप ठीक है, तो फिर मैं भी लाइक आई एम आल्सो वेरी सॉरी टू से कि मैं भी आपको हायर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप जाइए बाहर, आप और कोई भी कहीं पर भी बड़े बड़े क्या, मैंने काम किए हुए इसीलिए आपने मुझे अप्रोच किया था। मैंने 4-5 सीरियल किए इसीलिए आपने मुझे कॉल किया सीरियल को कि ये आप मेरी फिल्म में काम कीजिए, आपके लिए अच्छा रोल है। अभी आप यहाँ पे पूरा अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हो यार। नहीं, आप समझ रहे हो, ये सब छोटे मोटे काम, सीरियल बहुत छोटे मोटे काम है। सीरियल आप क्या, आपके लिए छोटा होगा ना, जो कर रहे हैं उनके लिए तो नहीं है ना? कितने भी छोटे, उनको दिखा नहीं पड़ रखे उसने। अगर किसी को दिखता नहीं है बड़ा चीज क्या है, तो उनके पास तो छोटे से छोटे चीज भी बड़ा रहेगा ना। एक छोटी चीज, एक चींटी के पास तो एक फुटबॉल को भी वो धरती बना देगा, वो थोड़ी होता है। पर वो उनको भी डिसिप्लिन का पता है ना, जो टाइम होता है उस टाइम पे शूट चालू होता है, जिस टाइम पे ऑडिशन असाइनमेंट। मेरा एक चींटी दोस्त था, उसका नाम चिंटू था। मैं पहले सोचा था उसके साथ ही मैं मूवी करूंगा। मैं उसको कास्टिंग के लिए बुलाया, पता है वो क्या किया? मैंने बोला था 7 बजे आना है, पता है वो कब आया? वाया ही नहीं। बातें नहीं रहेगा तो आर्ट कहाँ से आएगा? बूट कैंप में मैं जब था तब ड्रिल इंस्ट्रक्टर आके मेरे ऊपर चिल्लाते रहते थे, कभी भी कहीं भी। क्यों चिल्लाते? क्यों मैं क्या करूँ यहाँ पर, क्या हो रहा है? अरे सर सर, आप कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकते ड्रिल इंस्ट्रक्टर पर, ये क्यों होता है? नहीं आप अभी तो हमने फिल्म भी साइन नहीं की है, इतना मैं आपका क्यों सुन रहा हूँ? क्योंकि होना चाहिए। टीवी सीरियल वो लोकल पुलिस स्टेशन है, ये कुछ भी नहीं है। फिल्म का टीवी, फिल्म का सेट एक्चुअल जंग है, वहाँ पर लड़ाई लड़े जाते हैं। मुझे मत सिखाइए, आपने मुझे फीचर फिल्म मेरी देख के आपने अप्रोच किया है, तो मैंने इसका मतलब मैंने काम किया हुआ है। छोटा मोटा इंडी फीचर फिल्म में कौन, मतलब कि एक दो प्रोसेस तो वही होता है ना, प्रोसेस तो वही होता है। नहीं होता है, कैसे वो होता है? आपका यहाँ पर 2 प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं, मेरे यहाँ पर 100-200 प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं। उनको वो प्रोडक्शन मनी भी नहीं बोलते, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इतना पैसा डालते हैं वो लोग स्टॉक मार्केट के लेवल्स पे। वहां पर जब आते हैं सीनरियो वैसे ही बदल जाते हैं, वो आर्मी जैसे हो जाते हैं। आपका ये आपका ट्रेनिंग है। हमको अभी तक आपने स्क्रिप्ट नहीं भेजी है, अभी यहाँ पे आके मुझे पता चल रहा है। आप ये सब इतना इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है।
थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि मैंने आपको स्क्रिप्ट भेजा था, उसको देख के आप आए हैं ऑडिशन देने के लिए। अभी आप बोल रहे हो कि मैंने ऑडिशन का स्क्रिप्ट भेजा था आपने, क्या है कहाँ से आ गए आप? कहाँ से आ गए नहीं, आप कहाँ से आ गए? नहीं आप कहाँ से आ गए? बड़ी बड़ी इस वाले से मैं तो एडवर्टाइजमेंट दे दे भाई, आप कहाँ से आ गए हो भाई? आपने बुलाया इसलिए आया हूँ। जैसे जैसे वही जैसे जैसे आपने रिएक्ट किया वैसे ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये ऑडिशन का मैं किसने आपको ऑडिशन बोला? मैं जो बोला आपको इंटेंशन है या ये एक्चुअल ऑडिशन है? ये मीटिंग का हम दोनों मुलाकात किए जानने के लिए आपका कैरेक्टर, क्या आप एक्चुअली कर पाओगे कि नहीं। ये सब छोड़ो आप, अभी मैं निकल रहा हूँ, वैसे भी 8:30 बजे पहुंच गए। आप निकल रहे हो? हाँ। आपके लिए गर्म गर्म कॉफी मंगवाया था। नहीं कॉफी मैं नहीं पीता सर। ठीक है। ठीक है तो सॉरी, मैं सोचा था कि आपको फिर दूसरे स्टेप पे देके जाऊंगा, पर आप तो यहाँ पर कंफर्टेबल हो ही नहीं। नहीं आपकी अलग ही कुछ फिल्म चल रही है तो उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ काम करने में। फेयर नो। ठीक है सर, फेयर। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू फॉर नथिंग। थैंक यू। फिर से कभी मत आना, दोबारा मत आना, बुलाना भी मत आना।